ये 20 रुपए की 100 ग्राम नान खताई है जो मैंने अपने रेड़े पर ही बनाई है, क्योंकि मैं हूँ मेरठ की मशहूर नान खताई वाला। तो मैं एक अच्छी नान खताई सूजी मैदा बेसन में बूरा और घी मिलाकर ये रोल बना के और इसमें कट लगा कर घर से तैयार करके लाता हूँ और सुबह 9 बजे फेरी करने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ नीचे मैंने भर रखी है लकड़ी इस भट्टी में रोज की आधी बास्केट नान खटाई सेकने के लिए। पहले इस भट्टी में ऊपर लकड़ी डालकर आग लगाकर फूकनी से उसे दहकाता हूँ। फिर पतरे में इनको अलग अलग करके बीच वाले हिस्से में लगा के ढक्कन बंद कर देता हूँ। उसके बाद पतरे को हर तरफ से घुमा के सेक कर एक बार बीच में कागज रख के सेकता हूँ ताकि ये जले ना। फिर इनको भट्टी के नीचे वाले हिस्से में डाल देता हूँ जिससे गर्म रहती है। साथ में ग्राहक बुलाने का काम ये एम्पलीफायर और स्पीकर बैटरी पर लगते ही चालू कर देते हैं। मैं 1 रुपए की 1 5 रुपए तक कागज पे रख के देता हूँ और उससे ज्यादा लेने वालों को लिफाफे में। जैसे कि ये भाई 20 रुपए की नान खताई लेने आए तो मैंने 100 ग्राम तोल के दी। वैसे शाम से रात तक मेरा ज्यादा काम चलता है तो 9 बजे तक बिक जाती है मेरी सारी नान खताई। और 700 रुपए की लागत में कितनी होती होगी कमाई आप कमेंट में बताओ मेरे भाई। आगे नए रूप और नए तजुर्बे के साथ।